हाई वर्लकम टू जोडिक पेट एसोसिएशन माई एनिस्ट्रेशन और वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ डेली डॉग प्राइज अपडेट और आपकी वीडियो में हम लोग कुछ बेहतरीन ब्रिड का प्राइस का अपडेट लेंगे प्राइजेज इन मुंबई वर्सेज गुवाहाटी वर्सेज कोलकाता वर्सेज डेली वर्सेज पंजाब वर्सेज हरियाणा मतलब ये पाँच जगह की हम लोग थोड़ा बहुत अपडेट लेंगे डॉग की प्राइस की, की. तो फर्स्ट वीडियो हम लोग फर्स्ट वीडियो हम लोग ले रहे फर्स्ट ब्रीड ले रहे हम लोग लेब्राडर पपी लेब्राडर का प्राइस जो हम लोग हम लोग जो प्राइस के बारे में बात करेंगे 45 फाइव डेज से लेके 60 डेज के पपीज के हम लोग बात करेंगे बिकॉज ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब एज होता है पपी को एडॉप्ट करने के लिए या सेल करने के लिए या बाय करने के लिए तो चलिए बात करते हैं लेब्राडर का अभी अगर आप प्राइस देखेंगे एक वर्कलैंड क्वालिटी का लेब्राडर का ऑलमोस्ट ट्वेल्थ टू फिफ्टीन थाउजेंड में मुंबई में प्राइस है गुवाहाटी में अगर आप देखेंगे वर्क लाइन का गुवाहाटी में भी अभी फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास में आस्किंग प्राइस है कोई कोई, -कोई बहुत ज़्यादा करके भी बिक रहा है डिपेंड करता है कौन सा सेलर के पास अवेलेबल है कौन सा बूटर के पास या कौन सा शॉप में अवेलेबल है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पैट शॉप में आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट सिक्सटीन टू एट्टीन थाउजेंड का भी आस्किंग प्राइस आप बोल सकते हैं बट नेगोशिएशन करके आपको तेरह चौदह हज़ार में आराम से मिल जाएगा अभी मैं गुवाहाटी में जैसे ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास में लैपटॉप का प्राइस चल रहा है कोलकाता में अगर आप लेंगे एक वर्कलाइन लेब्राडर तो वर्कलाइन लेब्राडर कोलकाता में ऑलमोस्ट बारह हज़ार में काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आपको वर्कलाइन लेब्राडर मिल जाएगा और दिल्ली में दिल्ली में वही टेन टू ट्वेल्व थाउजेंड में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मिल जाएगा टेन टू ट्वेल्व बोल रहा हूँ मैं दस से बारह हज़ार बारह हज़ार में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लेब्राडर मिलेगा देन हरियाणा में भी आपको ट्वेल्व थाउजेंड में काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगा और पंजाब में भी काफी बारह हज़ार में काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिलेगा मतलब घुमा फिरा के गुवाहाटी आसाम देन उसके बाद मुंबई में ही सबसे ज़्यादा लेबोरेटर की प्राइजेस है जो कि बहुत ही हाई है ऑलमोस्ट फिफ्टीन सिक्सटीन है वैसे तो टेन टू फिफ्टीन है प्राइस प्राइज दोस्तों आते हम लोग रूथ के ऊपर ये तो ब्रीड एक ऐसा ब्रीड है ऐसा ब्रीड है जो बहुत ही बेहतरीन ब्रीड है बहुत अच्छा ब्रीड है बट मेरे चैनल में इसके ये ब्रीड के बारे में बातचीत काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है तो अभी उसका ना ही मैं टाइम टू टाइम इसका प्राइस अपडेट देता हूँ बिकॉज ये डबरमेंट नोट और जर्मन सफर तीन ऐसे ब्रिज है जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ और फॉर गर्निंग पर्पज़ बट हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं आज जैसे जर्मन सेफट के ऊपर तो इसलिए ये थोड़ा मतलब थोड़ा जैसे नेग्लेक्ट जैसा होता है रोट बट अभी आज रोटोलर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे लो रोटोलेर का प्राइस अगर आप देखेंगे तो मुंबई में अगर बहुत ही अच्छा बेतन क्वालिटी का आप, आपको लेना है वॉक लाइन का तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी थाउजेंड से लेके ट्वेंटी टू थाउजेंड में आपको मिल जाएगा गुहाटी में आपको ट्वेंटी एट थाउजेंड से लेके थर्टी थाउजेंड तक आस्किंग प्राइस बोल सकता है मेरा एक दोस्त ने खरीदा मेरे साथ जाके खरीदा था ट्वेंटी एट थाउजेंड में खरीदा था। बट उसको डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिला उसको बट विदाउट डॉक्यूमेंट को वही ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट से थर्टी थाउजेंड का ही मिलेगा अच्छा वर्क लाइन का कोलकाता कौल, में देखेंगे तो ऑलमोस्ट फिफ्टीन से ट्वेंटी थाउजेंड में काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आपको मिल जाएगा पंजाब हरियाणा दिल्ली में भी आपको मोटा मोटी फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा हरियाणा में पंजाब दिल्ली में हरियाणा में डिपेंड करता है थोड़ा बहुत क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहा तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा कम रहा तो कम होगा बट पंजाब हरियाणा दिल्ली में आपको फिफ्टीन में मुंबई में जिस क्वालिटी का मिलेगा गुवाहाटी में जिस क्वालिटी का मिलेगा इस क्वालिटी का रोड व्हीलर मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है रीजनेबल बात है और ऐसे तो हर प्राइस डिपेंड करते हैं क्वालिटी टू क्वालिटी और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं प्राइस एज जितना मतलब जितना मतलब दो महीने तक एज जितना बड़ा होगा वो प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा जितना कम होगा प्राइस उतना ही कम होगा उससे ज़्यादा अगर छः सात महीने का पापी है तो प्राइस थोड़ा कम भी हो सकता है सर so, दोस्तों आप जो ब्रीड ले रहे साइबे हस्की सबकी के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो वीडियोस में मैंने बोला है ब्रीड के बारे में या प्राइस के बारे में अभी बात करेंगे सैबेन हस्की के कुछ प्राइस के बारे में लेटेस्ट जो प्राइस है इस हफ्ता या ये महीने में जो प्राइस है ऐसे जैसे कि अभी डॉग प्राइस अपडेट हर महीने में आ रहा है मैं डेली देना तो पॉसिबल नहीं वीकली देना भी मुझे अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो मंथली देंगे तो इसमें बोल बोले तो साइबर एन हस्की की ये बहुत लोग बोलते हैं कि साइबेरियन हस्की हंस्की इंडिया में सर्वाइव नहीं करते हैं बहुत बहुत आसानी से या बहुत जल्दी बहुत बड़े तरीके से सर्वाइव नहीं करते बिकॉज ऑफ टेम्परेचर या वेदर क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है और साइबर हस्की का सर्वाइव करना मुश्किल होता है बट मई फ्रेंड ऐसा कुछ है नहीं है अगर आप एक इम्पोर्ट लाइन का साइबेरियन हस्की लाएँगे इम्पोर्ट करके लाएँगे बाहर से या डायरेक्ट आप चैंपियन ब्लड मतलब इंपोर्ट ब्लड लेकर लाएंगे साइबेरिया से या ऑस्ट्रेलिया से तो मतलब तो कोई भी ठंड जगह से लाएंगे इंडिया में छोड़ देंगे तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल है बट यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं जितने भी सेल हो रहे हैं हस्कीस मैक्सिमम नाइन्टी नाइन परसेंट नाइन्टी नाइन नाइन परसेंट ही हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि अभी ये दो साल में तो कोई पप्पी वगैरह आ नहीं रहा है बाहर के कोविड के चक्कर में फिर भी जितना भी अभी नाइन्टी नाइन परसेंट एट प्रेजेंट हस्की से साइबेरियन हस्कीस इंडिया में सारे इंडिया ब्रीड किए गए हैं तो बहुत साल पहले ही उन लोग का ब्लड लाइन चेंज होकर इंडियन हो चुका है तो टेम्परेचर को लेकर इतना इशू होने वाला नहीं है तो चलिए आते हैं अभी प्राइस के ऊपर सेवेरन हस्की का प्राइस भी अभी बहुत ही चेंजेस हुआ है प्राइस में बहुत ज़्यादा था अभी थोड़ा कम हुआ है और सबर हस्की की प्राइस अगर आप पर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड में आपको अच्छा क्वालिटी का साइबर हस्की कोक ले अच्छा क्वालिटी का सबर हंसकी मिल जाएगा गुवाहाटी में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी थाउजेंड के बीच में सबे हस्की की प्राइस है आप लोगों को पता है बहुत ही अनएक् एक्सपेक्ट एक्सेप्शनल लग रहा है बहुत ही इंपॉसिबल प्राइस लग रहा है बट माई फ्रेंड ऐसा ही प्राइस चल रहा है अभी गुहाटी में आपको यकीन नहीं तो मैं कल दस साढ़े दस या ग्यारह बजे एक लाइव कॉल करके भी मैं दिखाऊंगा प्राइस क्या चल रहा है और कोलकाता में अगर आप देखेंगे थर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास में आपको मिल जाएगा साइवर हंस की अभी आते हैं दिल्ली में देखिए दोस्तों दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आ, कौन सा ब्रिडर के पास अवेलेबल है कौन सा सेलर के पास अवेलेबल है कैसा सेलर के पास अवेलेबल कैसा ब्लड लाइन है कैसे परवरिश किया गया उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है और दिल्ली में अगर आप वक्लाइन का लेंगे जेनुन एक मैं एवरेज बोल रहा हूँ ट्वेंटी फाइव से लेके थर्टी थाउजेंड तक काफ़ी अच्छे क्वालिटी का साइबर हस्की मेल मिल जाएगा फीमेल का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है हज़ार पंद्रह सौ रुपये उनका फीमेल का भी तो सबन हंस की मिल जाएगा अगर आप हरियाणा में जाएंगे हरियाणा में भी वही थर्टी थाउजेंड के आसपास में और पंजाब में भी वही दिल्ली जैसा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है ट्वेंटी थाउजेंड से लेके थर्टी थाउजेंड तक आपको पंजाब में मिल जाएगा अच्छा क्वालिटी का डिपेंड करता है क्वालिटी के क्वालिटी कैसा है किस क्वालिटी का है किस साइज़ का है किस हेल्थ का है तो ये है सबरण हंसकी की, की प्राइस तो खुमा फिरा के आसाम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा है रीज़न तो पता ही बाहर से आता है ट्रांसपोर्टेशन खर्चा फिर दुकानदार का मार्जिन पेट सॉप का मार्जिन वो सब मिला के ज़्यादा होता है प्राइस देन नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पकड़ते एक बेहतरीन ब्रीड पिटबुल जितने भी इंडिया में यूज होता है यंग होता है काफ़ी ज़्यादा दीवाने होता है पिटबुल का अब ख्वाब देखते हैं पिटबुल का कि अभी जैसे पिटबुल के बारे में बहुत सारा लोग ख्वाब देखते हैं कि ये पिटबुल रखना चाहिए फाइटिंग डॉग बिकॉज आज से तीन चार साल पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ट्रेंड में था पिटबुल तो चलिए वीडियो को बिना आ, लंबे किए बिना लंबे किए हम लोग प्राइस के बारे में बोलना शुरू करते हैं और पिटबुल में जैसे आ, पहले जैसे पिटबुल का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे ऑलमोस्ट तीन चार पाँच पाँच साल जैसा होगा हाँ पाँच साल जैसे पहले काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड था पिटबुल का हर कोई लोग मतलब पिटबुल रखना चाहते थे बिकॉज बहुत एग्रेसिव था बहुत चाइन था बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग था पिटबुल और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल था पिटबुल के ऊपर तो वो सब कारण से पिटबुल काफ़ी ज़्यादा लोग पिटबुल रखना चाहते थे और रख भी रहे थे पिटबुल पिटबुल का डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ था बट चार पाँच साल से मतलब अमेरिकन बुल का ऐसा ट्रेन चला बिकॉज ऑफ अमेरिकन बुली पिटबुल जैसा ही होता है लुक में पिटबुल जैसा होता है थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर होता है पिटबुल जैसा और अमेरिकन बुली एक ऐसा ब्रीड है देखने में पिटबुल जैसा है बिकॉज अमेरिकन बुली ब्रीड होता है पिटबुल का और ब्रिटिश बुल्ड का तो तो पिटबुल जैसा भी होता है तो बुल्ड जैसा भी होता है और ऐसे बुल्ली बुल्ली का ट्रेंड इतना चला बिकॉज बुल बहुत शांत होता है म, मतलब शांत होता है पिटबुल से शांत होता है मस्कुलर होता है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन्ह होता है और काफ़ी जल्दी इन लोग दिखा सकते तो उस रीजन के कारण बहुत सारा लोग क्या हुआ जो लोग एज ए पिटबुल को एज ए फैमिली डॉग रखना चाहते हैं एक स्ट्रॉग डॉग एक मस्कुलर डॉग एज ए फैमिली डॉग रखना चाहते हैं वो लोग पिटबुल से स्विच होकर अमेरिकन बुल्ली पे आ गया तो उसके कारण पिटबुल का सेल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और कुछ कुछ एरियाज़ में ना, कुछ कुछ एरियाज़ में जैसे पिटबुल का प्राइस ड्रॉप हो गया जैसे आपको अभी बात करेंगे हम लोग प्राइस के ऊपर मुंबई जैसे जगह में उतना डिमांड पहले भी नहीं था अभी भी ना डिमांड नहीं है पिटबुल का मुंबई में अगर आप पिटबुल लेंगे एक काफ़ी अच्छा क्वालिटी में हेल्दी क्वालिटी में ऑलमोस्ट अभी फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास में अच्छा क्वालिटी का पिटबुल मिल जाएगा गुवाहाटी में अगर आप देखेंगे पिटबुल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के नीचे कोई नहीं देगा आप मेरे साथ बैठ लगा लो कोई नहीं देगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेकर थर्टी थाउजेंड के नीचे कोई नहीं देगा कोलकाता में देखेंगे वही फिफ्टीन से ट्वेंटी थाउजेंड में कोलकाता में भी पिटबुल का प्राइस है अभी बात करते हैं दिल्ली में दोस्तों uh, दिल्ली में जैसे पिटबुल का uh, काफ़ी ज़्यादा पहले ट्रेंड था बट अभी दिल्ली में जितने भी ब्रिडर्स से, है सेलर से मेनली पिटबुल जो लोग पिटबुल का ब्रीड करते थे पिटबुल रखते थे वो लोग स्विच होकर पिटबुल से आके अभी अमेरिकन बुल्ली पे आ रहे हैं अमेरिकन बुल्ली फ्रेंच बुल डॉग इंग्लिश बुल डॉग uh, इंग्लिश मैच वो सब में आ रहे तो पिटबुल का क्योंकि बिकॉज पिटबुल का डिमांड कम हो गया बट जितने भी पापीज वो लोग ब्रीड कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा बहुत डिमांड है पिटबुल का जितने भी पपीज़ जितने पपीज ब्रिथ कर रहा है वो पपीज बहुत कम दाम में सेल कर रहे हैं ऑलमोस्ट दिल्ली में अगर आपको ये जैसे क्वालिटी का देख रहे हैं इस क्वालिटी का अगर आपको बच्चे में चाहिए तो ऑलमोस्ट आठ से दस हज़ार में आपको पिटबुल मिल जाएगा दिल्ली में मैं भी कोई कोई तो पंजाब में फीमेल वाला फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड भी पिटबुल सेल करता है वो भी थ्रू ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया हरियाणा में भी आपको वही हरियाणा में थोड़ा बहुत ज़्यादा है कि बिकॉज़ हरियाणा में अच्छे अच्छे क्वालिटी का अच्छे अच्छे सेल करता है और प्राइस भी थोड़ा टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड में अच्छा क्वालिटी का पिटबुल मिल जाएगा तो खुम्मा फिरा के आसाम नॉर्थ ईस्ट में हर एक पप्पी का प्राइस हाई है